Hello everyone, you are watching video on Hibernate. This is the lecture number 10 on Hibernate. In this video, we will discuss how to write update query in HQL and delete query in HQL. So let us get started now. Very first, we'll discuss the update query in HQL. And in the update query, first, we will focus on the syntax. कि जो अपडेट क्वेरी हम एचक्ल है में लिखेंगे उसका सेंटेक्स कैसा होगा तो एचक् क्वेरी, क्वेरी के सिमिलर ही है तो जो अपडेट क्वेरी होगी एचुक्ल में उसका सेंटेक्स भी एक्वल क्वेरी के जैसे ही होगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है फर्स्ट अपडेट फॉलोड बाय बीन नेम एंड देन सेट बीन प्रॉपर्टी नेम इक्वल क्वेश्चन मार्क कॉमा अनादर बीन प्रॉपर्टी नेम इक्वल क्वेश्चन मार्क कॉमा

और यहाँ आप चाहो तो क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं या फिर आप कॉल फॉलोड बाई एनी वर्ड लिख सकते हो है ना जैसे मैंने लिखा हुआ है ऑन सेल एंड देन उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा ये सेल की वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए सेटर मेथड कॉल करनी पड़ेगी एंड देन वेयर कंडीशन सो वेयर डिपार्टमेंट इक्वल कॉल ऑन इसकी डी की वैल्यू देने के लिए भी हमें सेटर मेथड कॉल करनी पड़ेगी ओके सो यह हुआ अपडेट क्वेरी और उसका सेंटिक्स अब हम अपडेट क्वेरी को प्रोग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे सो लेटेस्ट सपोज यह जो ई एम पी टेबल है यह ई एम पी टेबल एम्प्लॉय से एसोसिएट है और यहाँ पे हम देखें कि डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट है एचआर डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट जहाँ भी है वहाँ पे एक सैलरी अमाउंट भी प्रेजेंट uh, है अब हम चाहते हैं कि जहाँ एच डिपार्टमेंट है वहाँ की सैलरी को हमें अपडेट करना है ना सैलरी अभी नाइनटी पॉइंट फाइव समथिंग है तो इसको कोई और अमाउंट हम देना चाहते हैं सो so, इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे यूजिंग एच क्वेल सो लेटेस्ट ओपन द इ्लिप्स एक्लिप्स में हाइबरनेट का जो कोड है वो एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पे सिर्फ मैं एच uh, क्वेल में अपडेट क्वेरी कैसे क्या लिखेंगे वह वाला कोड लिखूंगा सो so, जैसा कि हम जानते हैं कि एच यदि यूज करना है तो क्वेरी इंटरफेस आपको यूज करना पड़ेगा सो so, उसके लिए मैंने लिखा क्वेरी क्यू इक्वल एस डॉट क्रिएट क्वेरी और इस क्रिएट क्वेरी मेथड में अब आप अपडेट क्वेरी प्रोवाइड कर दें सो so, हम लिखेंगे अपडेट बी नेम एम्प्लाई देन सेट

तो जो बेसिक सैलरी वो फ्लोट टाइप का है तो हम यहाँ पे सेटर मेथड कॉल कर लें जो कि होगी सेट फ्लोट एंड देन सेल वैल्यू यहाँ नया अमाउंट हम एंटर कर दें लेटेस्ट से मैं कर रहा हूँ सेवन जीरो सेवन जीरो पॉइंट फाइव जीरो एंड देन डिपार्टमेंट की वैल्यू प्रोवाइड करें वो स्ट्रिंग टाइप का है तो सेटर मेथड होगी सेट स्ट्रिंग देन हीयर डी पी टी और डिपार्टमेंट की वैल्यू हम दे रहे हैं एच आर मतलब जहाँ एच आर है डिपार्टमेंट में वहाँ पे सेल लीज है वो ये हो जानी चाहिए अब यदि आपने आ, क्वेरी में अपडेट क्वेरी दिया है तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेथड आपको कॉल करना है वह है एग्जीक्यूट अपडेट ओके ये एग्जीक्यूट अपडेट मेथड एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी और वह यह शो करेगा कि, कि कितने जो रोज है वो अपडेट किए गए हैं जैसे यहाँ पे मान के चली कि एच आर डिपार्टमेंट मैचिंग रोज वो है दो है सो आई के अंदर टू स्टोर हो जाएगा जिसको यदि आप शो करवाना चाहो तो कर सकते हो सो so, जैसे मैं लिख भी दो यहाँ पे आई प्लस देन रिकॉर्ड अपडेटेड सो दिस इज हाउ टू राइट द अपडेट क्वेरी अब इसको रन करके हम देख लें एक बार सो so, रन जावा एप्लीकेशनुअर अपडेट एंड टू रिकॉर्डेटेड सो लेटेस्ट चेक इट चेक भी कर लेते हैं तो सिलेक्ट स्टार फ्राम ई एम पी क्वेरी मैंने लिखा लुकियर पहले एच आर डिपार्टमेंट में जो सैलरी थी नाइनटी पॉइंट फाइव और अब जहां एच आर डिपार्टमेंट है वहां सैलरी हो गई है 70, 70

वेयर कंडीशन ओके यदि आपको देना है तो मतलब सभी रो डिलीट नहीं करनी है इंस्टेड आपको कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली रो डिलीट करनी है तो वेयर कंडीशन लिखना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल डिलीट फ्रॉम एम्प्लाई जो कि बीन नेम है वेयर डीपीटी जो कि बीन प्रॉपर्टी है इक्वल कॉलोन डीपीटी ये डीपीटी की सेटर मेथड के थ्रू प्रोवाइड करेंगे सो so, इस क्वेरी को अब हम प्रोग्रामेटिकली डिस्कस करें फाइन सो उसी एम टेबल में लेटेस्ट सपोज हमें uh, जहाँ डिपार्टमेंट की वैल्यू एच आर है वो सभी रोज डिलीट करनी है सो ओपन इक्लिप्स एंड राइट डाउन द क्वेरी अब ये जो अपडेट क्वेरी हमने लिखा है uh, लिखने का तरीका लगभग वैसी है तो मैं इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे सो so, हम लिखेंगे डिलीट एम्प्लाई एंड देन वेयर कंडीशन डिपार्टमेंट इक्वल डीपीटी ओके सो डिलीट एम्प्लाय वे आर डी पी टी इक्वल कॉलोन डी पी टी अब कॉलोन डी पी टी की वैल्यू देने के लिए हम सेटर uh, मेथड ही कॉल करेंगे सो so, हो जाएगी क्यू डॉट सेट स्ट्रिंग एंड डी पी टी की वैल्यू हमने दिया एच आर है ना तो ये क्वेरी हो जाएगी डिलीट फ्रॉम एम्प्लाय ओके फ्रॉम भी लिखना है यहाँ पे सो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वे आर डी पी टी इक्वल समथिंग सो डिलीट फ्रॉम एम्प्लाय वे आर डी पी टी इक्वल एच आर जो वैल्यू हमने दिया हुआ है बाकी डिलीट क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमें एग्जीक्यूट अपडेट मेथड ही कॉल करना है एग्जीक्यूट अपडेट मेथड रिटर्न करेगा कि कितनी रोज डिलीट हुई जो कि हमने आई में स्टोर करवाया और यहां पे हम लिख देंगे आई रिकॉर्ड डिलीटेड सो लेटेस्ट टेस्ट नाउ। ओके सो डिलीट क्वेरी एंड लुक टू रिकॉर्डेड लिखा delete हुआ डिलीट हुआ कि नहीं so, select start from table name, लिखा, ये देखो, पे पहले एच आर डिपार्टमेंट था एच आर डिपार्टमेंट वाले जो रिकॉर्ड है सेवन एर एट वाले वो डिलीट हो चुके हैं फाइन सो दिस इज हाउ टू राइट द डिलीट क्वेरी नेचुअल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो